एक जवान लड़की की मौत हो गई आपके घर के अंदर। कोई आदमी ऐसे सुसाइड नहीं कर लेता है। यानी करवा चौथ 3 दिन बाद था और 3 दिन पहले से ही उसने मन बना लिया कि मरना है हमको, और जब नस से पूरा खून निकल गया तो अस्पताल ले गए उसको। तो किस आधार पे कन्विक्शन किया है? नहीं, बाद में एविडेंस में ये आया कि ये मोटरसाइकिल की मांग करते थे, और घटना के समय चूंकि इन्होंने फोन किया, ऐसा जो है पीडब्ल्यूज का कहना है विटनेस का, कि इन्होंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि फोन पर हमने जो है तुम्हारी लड़की को मार दिया, अब तुम हमारा जो करना है कर लो। ये भी सर जो एविडेंस है वो थोड़ी तो सी इस प्रकार की लग रही है कि जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि हम ही उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी घर में कौन कौन है? अभी घर में तो ये हस्बैंड भी जेल में है, चचिया जो है सास भी जेल में, चचिया ससुर भी जेल में। असली ससुर? असली ससुर को इन्होंने मुलिम नहीं बनाया, उनकी मानसिक हालत ऐसी है कि वो तो घर में कोई बातचीत कर नहीं पा रहे थे, इसलिए अच्छा, उनको। मुखिया आप ही हैं? नहीं, मैं तो मुखिया की पत्नी है? मुखिया तो अगर मैं, बड़ा भाई मगर आजकल लाचार, हस्बैंड ही होता है अगर भाई मतलब। बड़ा भाई मानसिक रोग से ग्रस्त है तो छोटा भाई मुखिया हो गया। अब ये हमारा दोष भी हो सकता है मतलब, कि कौन? उसके ये हमारा दोष भी हो सकता है कि जो है हम घर की चिंता कर रहे थे इसलिए हम मिल। अबे जो घर का बड़ा होता है वो जिम्मेदारी भी उसी की होती है और प्रशंसा भी उसी की होती है, तो उसका दोनों चीज होती है। अब घर में कुछ घटना घट जाए, अपनी घटना, तो घर के बड़े की तो जिम्मेदारी है ना, समझना इस चीज को। आप खुद बताइए, जो घर के बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? परिवार ठीक से रहे। मैं भाई तो छोटे लेकिन जब बड़ा भाई, रोल प्ले कर बड़ा, रहे हैं। आपने खुद ही कहा बड़ा भाई मानसिक रोग से ग्रस्त है या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो छोटा भाई संभालता होगा घर को। लेकिन बच्चों की शादी हो गई, अब वो खुद ही अपने उसके लिए जो है तो ऐसी जिम्मेदार। परिस्थिति बनी कैसी कि उसने अपना हाथ काट लिया? कुछ ना कुछ वजह रही होगी ना। ये तो इसमें एविडेंस में इतना तो नहीं आपने आया ऐसा कि कहा क्या कि वो पागल थी या नहीं, सिज़ोफ्रेनिया इसमें था? डिफेंस में वाला मैंने ये कहा है कि चूंकि पहली करवा चौथ थी और उस पे जो इनका मैटरनल जो है वो है, उनको कुछ सामान लेके आना होता था, तो वो सामान लेकर नहीं आए, इसके ऊपर से वो एनॉयड होके और उसने उसको सुसाइड कर ग्लानी लिया, हुई कि हमारा मायके सामान नहीं आया, ऐसी तो मैंने करवा देखी चौथ वाले दिन ही मरी है क्या? उसके एक दो दिन पहले। हैं? उसके एक दो दिन पहले तो करवा चौथ तो नहीं था ना उस दिन? फिर नहीं, उस दिन नहीं था। यही है, ये खुराफात है। यानी करवा चौथ 3 दिन बाद था और 3 दिन पहले से ही उसने मन बना लिया कि मरना है हमको। अगर आप इस प्रकार का डिफेंस लेके चल रहे हो तो कितने दुष्प्रवृत्ति के आप हो, या खुद सोचो कि एक जवान लड़की की मौत हो गई आपके घर के अंदर। कोई आदमी ऐसे सुसाइड नहीं कर लेता है। और जब नस से पूरा खून निकल गया तो अस्पताल ले गए उसको। जब देख लिया कि कट गया पूरा और खून वून निकल गया तो ले चलो वहाँ पे अस्पताल में, कहने को तो होगा कि अस्पताल ले आए इलाज के लिए। और आप बता रहे हो कि डेथ हुई है नस काटने से, एंड ब्रदर हैज सीन द रिकॉर्ड, नहीं, एक्सफिक्सिया से हुआ है, गले में निशान है, वो डॉक्टर ने जो बताया है मतलब वो मैंने पढ़ा है, डॉक्टर ने जब गले एविडेंस में, दिया गले में घुट, उसके कारण ही डेथ हुई है, हाँ गले तो में। गला घोट के मारा है उसको, नहीं, नस गला नस कटने से ये नहीं तो मरा या? ये हाँ एविडेंस नहीं है गल, क्योंकि तो फिर वो खुद ही गला घोट स्ट्रैंगुलेशन। लेगी क्या अपना? नहीं, वो हैंगिंग से हुई है, अगर घोटने का होता तो स्ट्रैंगुलेशन होता। अगर मान लो उसने फंदा भी लगाया अपने ऊपर, कोई कारण ही होगा ना। आपने शुरू शुरू कहाँ से किया? नस नस काटा है, ये तो आपने खुद ही का नस काटने से हुआ है, नहीं, हुआ है फंदा लगाने से। मैंने पैरा जो 18 पढ़ा हुआ है उसमें मैंने बताया नहीं, वो कि तुम्हारी क्लाइंट है ना, वो गड़बड़
चल विड्रॉ कर।